हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप क्लास 5 में यूनिट 3 सेक्शन 1 इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें ये पोयम है जिसका नाम है पोस्टर्स। पोस्टर्स पोस्टर्स क्या होते हैं? चित्र होते हैं या कुछ संदेश होते हैं जो जगह जगह पर लगा के लोगों को इसके बारे में कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, किसी चीज़ों से अवगत कराया जाता है या कोई संदेश देकर लोगों को जागरूक बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इस पोयम को मैं समझा रही हूँ और यह पोयम लिखी है रोज फाइलेमैन के द्वारा लिखी गई है। बिग एंड लिटिल, लो एंड हाई। बिग माने बड़ा, लिटिल माने छोटा, लो माने नीचे, हाई माने ऊपर। मोर देन आई कैन टेल, इतने छोटे बड़े नीचे ऊंचे, जितना कि मैं बता सकता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। इन द स्ट्रीट्स वेयर आई पास बाय, जिस गली से, कभी कहता है एक बच्चे के रूप में, जिस गली से, स्ट्रीट मीन्स गली, मैं गुजरता हूँ, निकलता हूँ, वहाँ सभी जगह अंडरग्राउंड एज वॉल, जमीनों दीवारों पर, दीवारों पर नीचे पोस्टर लगे हुए। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई गो, लगभग सभी जगह, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर पोस्टर इन एक कलर्ड रो, रंगीन पोस्टर लगे हुए हैं और उन पोस्टर में तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। प्रेटी लेडीज, किस चीज़ के चित्र बने हुए? सुंदर महिलाएं। प्रेटी माने सुंदर, लेडीज माने महिलाएं, सुंदर महिलाएं बनी हुई हैं। फनी मैन, हास्य मनुष्यों के दृश्य बने हुए हैं, पुरुषों के दृश्य बने हुए हैं। वेरी फॉरेन लैंड, कुछ विदेशी प्राकृतिक दृश्य बने हुए हैं। फॉरेन माने विदेश, लैंड माने जमीन, तो कुछ विदेशी जमीनों के भी चित्र बने हुए हैं, प्राकृतिक दृश्य बने हुए हैं। विंडी मोर एंड फेरी ग्ली, कुछ परियों की घाटी बनी हुई हैं। और ये मोर मोर मीन्स होता है जहाँ नाव को, नौकाओं को रोका जाता है, उनके ठहरने का स्थान होता है, तो ये हवाएं चल रही हैं और उसमें कुछ नाव जो है, नाव मतलब बोट्स, बोट्स रुकी हुई हैं, कुछ परियां बनी हुई हैं। चिल्ड्रन ऑन द सैंड, और कुछ बच्चे रेत पर खेल रहे हैं। लाइक अ पेंटेड पिक्चर बुक, ऐसा लगता है सभी पोस्टरों को देखते जैसे कोई पेंटेड पिक्चर की बुक हो, जिसमें चित्र ही चित्र बने रहते हैं, भाई पिक्चर बुक हो गई। ऑल स्प्रेड आउट फॉर मी टू लुक, सभी चीज़ें हमको दिखाने के लिए, मतलब एक बच्चे के रूप में कभी कहता है कि हमको दिखाने के लिए हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ विदेश में भी है, तो प्रकृति के सारे दृश्यों को हमारे सामने लाया गया है और उससे हमारा मनोरंजन भी होता है, हमको जानकारी भी मिलती है। थैंक यू। ए पोयम फिनिश हुई।